अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज सबका खुशामदीद मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को गूगल और एंड्रॉयड की सीक्रेट ट्रिक्स और ऐप्स वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में आप लोगों को पता तो होगा लेकिन उनके जो कमाल के फीचर्स हैं उनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस आप तक तो जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली जो हमारी ट्रिक है वो दरअसल गूगल बोर्ड के वाले से, गूगल कीबोर्ड जिसको जी बोर्ड बोला जाता है, जो एंड्रॉयड में जी बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जबकि आप लोगों का जो गूगल का बोर्ड होगा उसको आप लोगों ने अपडेट करना है सिंपली प्ले स्टोर में, और अपडेट करने के बाद मैंने जो है अपना गूगल का जो कीबोर्ड है उसको अपडेट कर रखा है। तो मैं आप लोगों को चेक करा दूँ कि ट्रिक असल में है क्या। उसके लिए सिंपली आप लोगों को ये कीबोर्ड जैसे कि ओपन हो गया है, यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम कस्टमाइज स्टिकर ऑफ यू, इसे सिंपली हम ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आप लोगों को कैमरा ओपन हो जाएगा, और कैमरा ओपन होने के बाद आप लोगों की पिक्चर ले गई कैमरा, आप लोगों ने खुद अपनी पिक्चर क्लिक करनी है, और ये आप लोगों के फेस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो फेस के स्टिकर्स हैं बहुत ही फनी फनी टाइप के स्टिकर्स, हर टाइप के स्टिकर्स आप लोगों को बना के दिखा देगा आपके फेस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना कैमरा ओपन कर लिया, और इसके बाद देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो अभी हो रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये शो मी पे क्लिक करना है, और देख सकते हैं मेरे जो पिक्चर के अकॉर्डिंग है कमाल के यार, बहुत ही फनी फनी जो फेसेस हैं वो मुझे शो हो रहे हैं, कमाल के ट्रिक है यार। अब मैं आप लोगों को और क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही इसको ट्राई करिए, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ बस। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो भी दरअसल गूगल के वाले से, उसके लिए सिंपली हम चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, ताकि आप लोगों को समझाना भी तो है यार। और उसके बाद जैसे कि हम अपने चले गए क्रोम ब्राउज़र में, अगर आप लोग चाहते हैं कि गूगल जो है वो 1980 में कैसा था, 1980 में कैसा था, उसके लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऊपर सर्च बार में क्लिक करना है, और सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना है गूगल 1980। तो जो हमारी लोडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने सिंपली जो फर्स्ट वाला हमारा लिंक है उसके ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे ऊपर लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो लोडिंग होने के बाद आप लोग को यहाँ पे गूगल उसी टाइप में देखने को मिल जाएगा जिस तरह के गूगल 1980 में था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही कमाल का, बहुत ही कूल लग रहा है मुझे तो, गूगल यकीन नहीं हो रहा दोस्तों ये गूगल 1980 में ऐसा हो सकता था। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग गूगल 1980 में ऐसा था। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बाद दो तीन और ट्रिक्स दिखा दूँ गूगल के वाले से। उसके बाद हम दोबारा गूगल सर्च बार पे कुछ चलते हैं, और यहाँ पे सर्च करते हैं जेड रश, और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली हमने फर्स्ट वाला जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल जो है वो कैसा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बबल्स निकल निकल के यहाँ पे नीचे आके लग रहे हैं, और ये इसको डैमेज कर रहे हैं, देखते हैं सब कुछ यहाँ पे टूट टूट रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और ट्रिक दिखा दूँ, अगर आप लोगों ने गूगल को पानी के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है गूगल अंडर वाटर। गूगल अंडर वाटर सर्च करने के बाद आप लोगों को जो फर्स्ट वाला लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है, लोग ने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गूगल जो है पानी के अंदर आ चुका है। इसमें आप लोग जितनी बार भी यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे उतनी बार ही ऊपर से जो मछलियाँ गिरती रहेंगी। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक
क्लिक कर रहा हूँ सर्च के ऊपर, यहाँ पे मछलियाँ गिरती जा रही। ये थे हमारी दो तीन ट्रिक्स मैंने तो आप लोगों को दिखा दी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो जैसे गूगल असिस्टेंट के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जाएंगे, आप लोग कोई भी चीज़ जैसे कि कुछ भी है वो आप बग़ैर बोले, जैसे कि आप लोग सिर्फ हुक्म करें और वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप खुल जाए, आप लोग बोलें ओपन व्हाट्सएप और वो वहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आप किसी को कॉल मिलाना चाहते हैं बोल के सिर्फ, और वहाँ पे कॉल लग जाएगी। आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं वहाँ पे सिंपली वो काम हो जाएगा। उसके लिए सिंपली आप लोगों को जाना है अपने प्ले स्टोर में। हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे गूगल असिस्टेंट सर्च करना है, और उसके बाद सिंपली आप लोगों को इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस में। जैसे कि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, सो लेट्स सी हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद हमें इसको सेंटर वाले बटन को दबा के रखना है। और हमारा सो फ्रेंड, जैसे कि हमारा ओपन हो चुका है, इसके बाद हम इसे ट्राई करते हैं ओपन यूट्यूब। उससे हमारा माइक काम अभी नहीं कर रहा है क्योंकि मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसे ट्राई करोगे तो ये काम कर रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप कुछ भी इसे बोल के कुछ भी करवा सकते हैं। और तो ये थी हमारी नेक्स्ट ट्रिक, और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने सेंटर वाला जो होम स्क्रीन का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके, जैसे कि आप लॉन्ग प्रेस करते हैं गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है, अगर आप इसे सिंपली दबा के रख के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। सो वैसे तो आप लोग कैसे स्क्रीनशॉट लेते होंगे, एक पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वाले बटन को प्रेस करके स्क्रीनशॉट लेते होंगे, या अपने थ्री फिंगर स्क्रीन पे स्वाइप करके लेते होंगे। तो ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ ये तो सबसे लेटेस्ट है और मुझे बहुत ही कमाल की लगी। उसके लिए सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये मैंने सर्च किया हुआ स्क्रीनशॉट असिस्टेंट। इसका नाम भी असिस्टेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी गूगल असिस्टेंट की जगह काम करता है। उसके लिए जैसे कि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, उसके बाद सिंपली मैं इसके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसे हमने सिंपली परमिशंस दे देनी है, अलाओ एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मांग रहा है। जैसे यहाँ पे गूगल जो है डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ है, हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, और इसे परमिशन मिल चुकी है। सो हम बैग आते हैं डन, और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे स्क्रीनशॉट लेता है, बहुत ही कमाल के। जैसे कि हमने इसे लॉन्ग प्रेस किया, ये हमारे स्क्रीनशॉट आ चुका है। सो हम यहाँ पे इसको सिंपली क्रॉप भी कर सकते हैं, वो भी मैन्युअली हम इसे क्रॉप भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक लगी मुझे। सो मैं भी आप लोग रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई करिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो दरअसल मूवीज़ के हवाले से, जैसे कि आप लोग कोई मूवी सर्च करते हैं और आप लोगों का तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता होगा, आप लोग कोई ना कोई मूवी नहीं मिलती गूगल से, आप लोग सर्च करते रहते हो और आप इससे स्पैम वेबसाइट पे जाते रहते हो और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो आज की जो ट्रिक है वो मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके लिए सिंपली आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप लोगों को सिंपली अपनी मूवी का नाम यहाँ लिखना है, जैसे कि मैं आयरन मैन लिख रहा हूँ, आयरन मैन मूवी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल ड्राइव लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आयरन मैन मूवी गूगल ड्राइव लिख दिया। तो उसके बाद जो वाली वेबसाइट शुरू करेगा, जो हमारे पास मूवीज अवेलेबल होंगी जो कि गूगल ड्राइव में होंगी, किसी ना किसी ने अपलोड करी होंगी। जैसे कि हम इस वेबसाइट पर चलते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे अपनी गूगल ड्राइव पे क्लिक करके इसे बिल्कुल बहुत ही सिंपली इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ट्रिक भी मुझे बहुत ही कमाल की लगी, और आप लोग यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को प्ले भी कर सकते हैं आप लोग ये मूवी। मुझे तो बहुत ही कमाल की ट्रिक लगी। सो ये थी हमारी आज की 5 एंड्रॉयड ट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। दोस्तों दोबारा मुलाकात होगी हमारी एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।